हाँ जी देखिए, ट्वेल्थ क्लास इसमें है कि आपको एक क्राउडेड मार्केट पैलेस ऑफ योर सिटी, ठीक है, इसका आपको वर्णन करना है, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको कि भाई यू वेंट फॉर शॉपिंग फॉर टू ए क्राउडेड मार्केट प्लेस ऑफ योर सिटी, हाउ डिड यू पास थ्रू द पैसेज, व्हाट डिड यू सी एंड एक्सपीरियंस देयर, गिव ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। यानी जो पास्ट इवेंट के बारे में भी, ये क्या है, एक पास्ट इवेंट है, पास्ट इवेंट्स डिस्क्रिप्शन है, पास्ट इवेंट का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से, यस्टरडे आई वेंट टू ए, इट इज ए बिजनेस सेंटर, इट इज ए बिजनेस सेंटर, इट इज ए बिजनेस सेंटर, इट्स पैसेज इज ओनली 3 फीट, इट्स पैसेज ओनली 3 फीट, देयर वॉज 3 फीट वाइड, देयर वॉज ए हैवी रश, आई हैड टू टेवरेस इट्स, इट्स एक्सक्यूजिंगली एंड कॉलिंग डिंगली, बोथ द साइड ऑफ द both the sides of the narrow passage, there were साइड शॉप, बायर्स वर स्टैंडिंग देयर, एंड वर शॉपिंग,
आई एक्सपीरियंस जैम इवन आई फेल्ट डिफिकल्टी Inside the market, there was inside the market there was a sea of people. At every shop, buyers were struggling to get the items. Get the items of their need. There was no consideration of choice. There was no consideration of choice. Pay first, get the thing. Such was the crowded marketplace. Such was the crowded market place. ये आपके हैं पास्ट इवेंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. इस प्रकार से Yesterday I went to a crowded place. रानी बाजार दिल्ली. कल मैं गया एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिसका नाम था रानी बाजार दिल्ली. और इट इज़ ए बिजनेस सेंटर. ये एक बिजनेस सेंटर है. इट्स पैसेज इज ओनली 3 feet वाइड. इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो वहाँ पे जो जगह है जाने जाने की वो 3 feet चौड़ी है. देर वहाँ से हैवी रश बहुत भयंकर भीड़ थी. आई हैड टू ट्रेस हॉर्स इन एक्सक्यूजिंग एंड क्वालिटी. मतलब वहाँ पे मुझको आगे बढ़ने आगे पीछे जाने के लिए यानी वहाँ से गुजरने के लिए बड़ी बिच्चम बिच्ची इसके लिए बिच्चम बिच्ची थी. और धक्का मुक्की से आगे बढ़ रहे थे. बहुत द साइड वर बहुत द साइड्स ऑफ नैरो पैसेज. वो जो 3 feet लंबा चौड़ा जो जगह थी उसकी दोनों साइडें में देर वर क्योर साइज शॉप. यानी क्योर साइज का मतलब होता है एक बिल्कुल छोटी छोटी शॉप्स. बायर्स वर स्टैंडिंग देयर एंड और खरीदने वाले थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे एंड वर शॉपिंग और शॉपिंग कर रहे थे. मैंने आई एक्सपीरियंस जैम. मैंने वहाँ पे जैम को अनुभव किया. जाम लग गया था. और इवन आई फेल्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हुई. और इनसाइड द मार्केट मार्केट के अंदर देयर वाज अ सी ऑफ पीपल. वहाँ तो समुद्र था एक लोगों का. एट एवरी शॉप प्रत्येक शॉप पर बायर्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट द आइटम्स ऑफ देयर नीड. अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को प्राप्त करने में लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही थी खरीदने के जो भी खरीदार थे. देयर वाज नो कंसिडरेशन ऑफ चॉइस. और चॉइस का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार सामान खरीदना ये
उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं था, कोई समझदारी नहीं थी एक तरीके से, मतलब कोई छूट नहीं थी किसी प्रकार की, भाई ये नहीं ये दे, पहले तो पे फर्स्ट करो, यानी भुगतान पहले करो, अपनी चीज़ प्राप्त करो और बाहर निकल जाओ। इस प्रकार का क्राउडेड प्लेस था दिल्ली रानी बाजार। ठीक है भाई, फिर आ जाता है कि आपको एक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑफ पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में जो प्रोफेशनल है, जैसे द पोस्टमैन या ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के बारे में 100 वर्ड्स का। पोस्टमैन इज अ वेरी यूजफुल पब्लिक सर्वेंट। ए पोस्टमैन इज ए वेरी यूजफुल पब्लिक सर्वेंट। इज यूनिफॉर्म इज खाकी। इज यूनिफॉर्म इज खाकी। He brings letter and parcel. He brings letters and parcels for us and delivers them. For us and delivers them. He carries a leather bag. He carries a leather bag. With him. उसके बाद this leather bag contains letter, parcel and packets. This leather bags, this leather bag contains letters, parcels and packets. He cycles from door to door. Difficult for him.
टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस. टू मीट हिज He expects something. He expects something. From us on festivals. From us on. Festivals. Especially on Deepavali. Especially on Deepavali. 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 And Holi. उसके बाद There are some postmen. There are some postmen who are not dutiful. Who are not dutiful. And they shirk their work. And they shirk their work. ठीक है, ये आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है. किस प्रकार से देखिए, पोस्टमैन होता है वो बहुत ही यूजफुल पब्लिक सर्वेंट है. ध्यान रखना, फैक्चुअल बताना है, फैक्ट बताना. हिज यूनिफॉर्म खाकी होती है. ही ब्रिंग्स लेटर्स एंड पार्सल्स एंड फॉर अस हमारे लिए और उनको डिलीवर करता है. ही कैरीज ए लेटर. सॉरी हमको गलत हो गया. लेदर बैग. लेदर बैग रखता है अपने साथ. ही दिस लेदर बैग के अंदर होता है कंटेंट्स लेटर पार्सल पैकेट. ही साइकल्स चक्कर काटता रहता है डोर टू डोर डिलीवर मेल संदेश देने के लिए. ही हैज टू गो आउट ऑन हिज वर्क. उसको कार्य करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है चाहे बरसात हो चाहे धूप हो. ही इज वेरी बिजी पर्सन. वह बहुत बिजी पर्सन होता है. ही गेट्स ए मच सैलरी. उसको बहुत ही कम सैलरी मिलती है जो कि उसको कठिन बना देता है उसके लिए अपने फैमिली के खर्चों को पूर्ण करने के लिए. ही एक्सपेक्ट समथिंग. वो हमसे आशा रखता है फ्रॉम हमसे त्योहारों पर मुख्य रूप से दीपावली होली पर कि भाई हमको कुछ उसको गिफ्ट वगैरह दें. देर आर सम. लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन उसमें होते हैं जो ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं और वो अपने कार्य से जी चुराते हैं. वो अपने कार्य से जी चुराते हैं.